रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। दाल मिल में मजदूरी कर रही महिला काम करते समय हादसे का शिकार हुई है। महिला दाल मिल के पट्टे में फंसकर महिला की हुई है मौत। बच्चे का रो रो कर हुआ है बुरा हाल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जनपद की रात कोतवाली कस्बा का है ये पूरा मामला। दाल मिल में मजदूरी कर रही महिला की हुई है मौत। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। काम करते समय हादसे का शिकार हुई है महिला। दाल मिल के पट्टे में फंसकर महिला की हुई है मौत। बच्चे का रो रो कर हुआ है बुरा हाल। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जनपद की रात कोतवाली कस्बा का है ये पूरा मामला। दाल मिल में मजदूरी कर रही महिला की मौके पे ही मौत हुई है। काम करते समय हादसे का शिकार हुई है ये महिला। दाल मिल के पट्टे में फंसकर महिला की मौत हुई है। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जनपद की रात कोतवाली कस्बे का है ये पूरा मामला। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्रिजेश ओझा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो ब्रिजेश, किस तरीके की जानकारी मिल पा रही है, क्या घटना हुई थी और किस तरीके से हुई है ये पूरी घटना? जी श्वेता जी, आपको बताना चाहूंगा कि ये घटना हमीरपुर जनपद के राठ कोतवाली कस्बे की है, जहाँ पर संचालित एक दाल मिल में महिला मजदूरी करती थी। और मजदूरी जब ये करने महिला पहुंची है, तो उसी दरमियान काम करते समय जो मशीन के पट्टे थे, उस पट्टे में लपेट कर की उसकी मौत हो गई है। मौत होने के बाद जब सूचना पुलिस को मिली है, तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। जी जी ब्रिजेश, ये बताएं कि अभी जो महिला का यहाँ क्या जो परिवार इनका रो रो का बुरा हाल है, क्या इसमें कुछ मुआवजा देने की भी बात कही गई है? नहीं, इस तरीके की अभी कोई बात सामने नहीं आई है। हालांकि आप महिला के जो तीन बच्चे हैं, उनका फिलहाल अभी रो रो कर बुरा हाल है। अधिकारियों ने की तरफ से अभी किसी भी तरीके की सहयोग की बात सामने नहीं आई है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश हमारे साथ इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे, जहां दाल मिल में मजदूरी के समय एक महिला की मौत हो गई है। काम करते समय हादसे का शिकार हुई है महिला। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी ने लगाया है जनता दर्शन का कार्यक्रम। दूर दूर से फरियाद लेकर आए हैं फरियादी। सीएम ने एक एक कर सुनी सबकी फरियाद। अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के दिए हैं निर्देश। एडीजी, कमिश्नर, डीआईजी, डीएम और एसएसपी भी साथ में मौजूद। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया है जनता दर्शन का कार्यक्रम। जहां दूर दूर से फरियादी लेकर आए हैं फरियाद अपनी, जहां सीएम ने एक एक कर सुनी है सबकी फरियाद। और इस जनता दर्शन कार्यक्रम में अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। साथ में एडीजी, कमिश्नर, डीआईजी और डीएम और एसएसपी सहित सब अधिकारी मौजूद। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षक को कर्मियों की महारैली है कल। पुरानी पेंशन समेत कई मांगों को लेकर होगा आंदोलन। इको गार्डन में होगी शिक्षकों कर्मियों की महारैली। महारैली में प्रदेश के लाखों कर्मचारी शिक्षक होंगे शामिल। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षकों कर्मियों की महारैली होने जा रही है कल। पुरानी पेंशन समेत कई मांगों को लेकर होगा ये आंदोलन। इको गार्डन में होगी इन शिक्षकों कर्मियों की महारैली। महारैली में प्रदेश के लाखों कर्मचारी शिक्षक भी होंगे मौजूद। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है आज। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी बैठक। सुनील बंसल समेत कई नेता होंगे शामिल। 2022 के चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है आज। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी ये बैठक।
जहां सुनील बंसल समेत कई नेता होंगे शामिल। 2022 के चुनाव की रणनीति पर की जाएगी ये चर्चा। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है आज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी ये बैठक जहां सुनील बंसल समेत तमाम नेता शामिल होंगे। 2022 के चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी इस बैठक में। इस वक्त की बड़ी खबर। केजीएम के रेजिडेंट डॉक्टर का धरना प्रदर्शन। रेजिडेंट सुबह 10 बजे से दे रहे हैं धरना। केजीएम के गेट नंबर 1 के सामने धरना प्रदर्शन। नीट काउंसलिंग ना होने से नाराज है रेजिडेंट। विभिन्न मांगे विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रखेंगे। केजीएमयू में ओपीडी सेवा हो सकती है बाधित। इसकी क्षमता 30 किलोमीटर के दायरे में होगी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर्स का धरना प्रदर्शन जारी। जो रेजिडेंट सुबह 10 बजे से दे रहे हैं धरना। केजीएमयू के गेट नंबर 1 के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो गौरव, किस तरीके की जानकारी मिल पा रही है, क्या कारण है ये धरना प्रदर्शन का? देखिए, केजीएमसी जो विश्वविद्यालय, मेडिकल विश्वविद्यालय है, ये लखनऊ का बहुत प्रसिद्ध और पुराना विश्वविद्यालय है और हमेशा से यहाँ पर बहुत मरीजों के लिए बहुत राहत देने वाले होते, चाहे हम ट्रामा सेंटर की बात करें या तमाम कोर्सेज की बात करें, तो बहुत सारी सीटें भी हैं अगर देखा जाए। पर जिस तरह से अभी हाल में नीट की परीक्षा हुई थी और अब तक नीट की काउंसलिंग नहीं हुई है, जिसको लेके वहां पर जो रेजिडेंट डॉक्टर है उन्होंने आज प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग 10 बजे से वो केजीएमयू के गेट नंबर 1 पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों के लिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है, जिस तरह से आज डॉक्टरों ने कोरोना के समय भी तमाम चीजों को दरकरार करते हुए मरीजों की जान बचाई थी, जिसमें जिसमें कई कई डॉक्टर काफी संख्या बड़े डॉक्टर की मौत भी हो गई थी, उसके बावजूद जो डॉक्टर हैं वो लगातार कोरोना को दरकरार करते हुए लगातार इलाज कर रहे हैं। और अभी हाल में जिस तरह देखा गया है, तीसरा वेरिएंट भी कोरोना का दस्तक देने वाला है, पर हम डॉक्टर हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, कोई हम लोग को छुट्टी भी नहीं मिलती है, लगातार ड्यूटी हम लोग लगाई जाती है। इसके बावजूद जो जिस तरह से अभी हाल में नीट की परीक्षा हुई थी उसकी काउंसलिंग भी अब तक नहीं हो पाई है, वो काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग को अगर प्रोनर होना है या अन्य किसी कोर्स में दाखिला लेना है तो अब किस तरह ले सकेंगे। इसके अलावा तमाम जो उनकी जो वहाँ की जो संस्थागत मांगे हैं उनको लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जल्दी हम विश्वविद्यालय से, जो हमारा केजीएमसी विश्वविद्यालय है, इसके प्रशासन के आगे इन अपनी सभी मांगों रखेंगे। जब इन सभी मांगों को हमको लेके समर्थन दिया जाएगा, कहा जाएगा कि मांगे पूरी की जाएंगी, तभी अपन धरना प्रदर्शन समाप्त करेंगे। हालांकि इन समस्याओं से जो वहाँ की ओपीडी सेवा है वो बाधित होती नजर आ रही है, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर ही वहाँ पर सारी ओपीडी सेवाओं को संचालित करते हैं और वहाँ पर जुड़े रहते हैं। तो कई तरह की जो ट्रेनिंग डॉक्टर भी हैं वो वहाँ पर तमाम सेवाओं में जो है अपने जो अपने वरिष्ठ डॉक्टर हैं उनका सहयोग करते नजर आते हैं। तो माना जा सकता है जिस तरह से वहाँ पर आज प्रदर्शन हो रहा है तो निश्चित रूप में मरीजों को परेशानी भी होगी, पर वहाँ पर डॉक्टरों की मांग भी कुछ जो मांगे हैं वो भी अपनी जगह अधिक है। उनका कहना है कि जब तक नीट काउंसलिंग नहीं होगी तो आश्वासन हमको नहीं मिलेगा, तब तक हम ये धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर्स का धरना प्रदर्शन है, जहां रेजिडेंट सुबह 10 बजे से दे रहे हैं धरना। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां राजधानी में डेंगू के 6 नए मरीज मिले। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में पाए गए हैं ये रोगी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 1285 घरों का निरीक्षण किया, 2 घरों को जारी किया गया है नोटिस। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 6 मरीजों का डेंगू मरीज मिले हैं राजधानी में, जहां शहर के अलग अलग क्षेत्रों में पाए गए हैं ये रोगी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 1285 घरों का सर्वेक्षण किया था, जहां 2 घरों को जारी किया गया है नोटिस। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की अगली बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर राजधानी में प्रदूषण बढ़ने से लोगों का सांस लेना हुआ मुश्किल। तालकटोरा की हवा सबसे ज्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंची। ठंड बढ़ने के बाद हवा खतरनाक स्तर पर पहुंची। राजाजीपुरा में अशबाग की आबादी हुई है प्रभावित।
तालकटोरा का AQI 400 के ऊपर रिकॉर्ड हुआ। अलीगंज में AQI 343 और लालबाग में 328 हुआ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर राजधानी में प्रदूषण बढ़ने से लोगों का सांस लेना मुश्किल हुआ है। तालकटोरा की हवा सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंची, जहां ठंड बढ़ने के बाद हवा खतरनाक स्तर पर पहुंची है। राजाजीपुरम में एचबाग की आबादी हुई है इससे सबसे ज्यादा प्रभावित। तालकटोरा का AQI 400 के ऊपर रिकॉर्ड हुआ है, तो वहीं अलीगंज का AQI 343 और लालबाग में 328 हुआ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ से इस वक्त की अगली बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जालसाज कंपनी हेलो राइट का मालिक हुआ है गिरफ्तार। राजाजीपुरम में हेलो राइट का मालिक को गिरफ्तार किया गया है। मालिक अभय कुशवाहा को हजरतगंज पुलिस ने किया है गिरफ्तार। बाइक टैक्सी जमीन व दुकान के नाम पर हड़पे थे रुपए। 2.5 साल से फरार था 25,000 का इनामी ठग। विभूतिकांड और हजरतगंज थाने में 36 केस दर्ज है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जालसाज कंपनी हेलो राइट के मालिक को गिरफ्तार किया गया है। राजाजीपुरम से हेलो राइट के मालिक को किया गया है गिरफ्तार। मालिक अभय कुशवाहा को हजरतगंज पुलिस ने किया है गिरफ्तार। बाइक टैक्सी जमीन व दुकान के नाम पर हड़पे थे कई रुपए, जहां 2.5 साल से फरार था 25,000 का इनामी ठग। विभूतिकांड और हजरतगंज थाने में 36 केस है दर्ज। यूपी टेट पेपर लीक का मामला इस वक्त की बड़ी खबर। एसटीएफ ने कुल 29 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। प्रयागराज के टीचर की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की गई। मथुरा के एक युवक की गिरफ्तारी को लेकर भी छापेमारी। सचिवालय में तैनात संविदा कर्मी कौशलेंद्र राय की अहम भूमिका बताई जा रही है। पुलिस की पूछताछ लगातार जारी। यूपी टेट पेपर लीक मामला इस वक्त की बड़ी खबर। एसटीएफ ने कुल 29 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। जहां प्रयागराज के टीचर की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की गई, जहां मथुरा के एक युवक की गिरफ्तारी को लेकर भी छापेमारी। सचिवालय में तैनात संविदा कर्मी कौशलेंद्र राय की अहम भूमिका बताई जा रही है। पुलिस की पूछताछ लगातार जारी। हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर। शौच करने गए किसान को दबंगों ने मारी है गोली। गोली लगने से किसान गंभीर रूप से घायल। घायल को जिला अस्पताल में किया गया है रेफर। पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने मारी है गोली। सूचना पाकर मौके पर पहुंची है पुलिस। पाली थाना क्षेत्र के बाबरपुर की है ये पूरी घटना। शौच करने गए किसान को दबंगों ने मारी है गोली। हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर। गोली लगने से किसान गंभीर रूप से घायल। घायल को जिला अस्पताल में किया गया है रेफर। पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने मारी है गोली। सूचना पाकर मौके पर पहुंची है पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर हरदोई से आपको इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस गश्त करने पहुंची है, जहां का ये मामला हुआ है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आशीष मिश्रा की जमानत याचिका आज सुनवाई पर। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जमानत पर सुनवाई होगी। जिला कोर्ट ने आशीष की जमानत अर्जी की थी खारिज। लखीमपुर की हिंसा का मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होने जा रही है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जमानत पर सुनवाई होगी। जिला कोर्ट ने आशीष की जमानत अर्जी की थी खारिज। लखीमपुर की हिंसा का मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर।